बहराइच में बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह बहराइच जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद द्वारा निराश्रित गौवंशों को पकड़ने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बताते चले बहराइच में अब निराश्रित गौवंश को पकड़ने के लिए प्रशासन हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। इसमें जिला पंचायत द्वारा 18 लाख के वाहन की खरीद की गई। निराश्रित गौवंश को पकड़ने के लिए ये वाहन खासा मदद करेगा क्योंकि इस वाहन का पिछला हिस्सा सिस्टम से डाउन हो जाएगा ताकि गौवंश को ऊपर चढ़ाने में आसानी हो। माननीय योगी जी ने जो जानवर इधर उधर घूम रहे थे जिनके कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी तो उसके लिए उन्होंने ऐसा किया है और हमारी जनता को जिससे हमारी जनता परेशान रहती है तो वो भी अब खुश रहेगी, उनके लिए भी सही होगा। जैसे निराश्रित गोवंश को पकड़ने में बड़ी कठिनाई होती थी तो जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने अपने देखिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि गौवंशों का संरक्षण किया जाए। गौवंश अभी सब पकड़ के ऐसे लाए जाते थे उसमें हमारे पंचायती राज विभाग के आदेश और जिलाधिकारी महोदय बहराइच के आदेशों के क्रम में एक एक कैटल कैचर जिला पंचायत ने राज्य वित्त आयोग 2022-23 की योजना से खरीद के दिया है। इसकी लागत लगभग 18 लाख रुपया है और ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम से चलेगी जिसपे जो गौवंशों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पीछे का हिस्सा ये अपने आप डाउन हो जाएगा, गौवंश चढ़ेंगे और जो भी निकटतम गौशालाएं होंगी वहाँ पे इनको संरक्षित किया जाएगा। थैंक यू। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हमारे जनपद के माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह जी और उनके अन्य अधिकारियों के सहयोग से आज ये वाहन निराश्रित गौवंश को किस प्रकार से पकड़ा जाता आप लोग देखते थे उसको सुगमता से निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर पहुँचाया जा सके इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ने आज ये जनपद बहराइच के नागरिकों को समर्पित किया है। इसका संचालन पशुपालन विभाग और खंड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से किया जाएगा। इसके आने से पहले बड़ी कठिनाई होती थी निराश्रित गौवंश को पकड़कर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ये इससे सुविधा होगी। मैं माननीय अध्यक्ष जी का और पूरे जिला पंचायत का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में विकास खंड में भी हम लोग ये इस प्रकार के वाहन खरीद रहे हैं जिससे कि सुगमतापूर्वक पशुओं को पहुँचाया जा सके। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट।